परंतु उनका शरीर प्राय उसी समय पारे के समान मिलकर पुनः एक बन जाता है। कांटों के द्वारा वे पैरों को छेदते हैं। सोच सोच कर मर्म स्थानों का भेदन करते हैं, हड्डियों का चूरा चूरा कर डालते हैं और खाल उधेड़कर शेष शरीर को कुचल देते हैं। जिस तरह करोत लकड़ी को चीरती है और कुल्हाड़े लकड़ी को फाड़ते हैं, उसी प्रकार वे अपने शस्त्रों से नए नारकी के शरीर की दशा कर देते हैं। भीतर से पेट को चीर कर पसलियों को तोड़ देते हैं। घाड़ी अर्थात कोलू में रखकर पेल देते हैं, घट्टी में डालकर पीस देते हैं, गरम तेल में डालकर तल देते हैं और प्रज्वलित अग्नि में जला देते हैं। पुराने नार की नवागत का पांव पकड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा देते हैं और शीघ्र ही वापस भी ले लेते हैं। उसे कांटों की शैया पर सुलाते हैं और सूली पर चढ़ाते हैं। वे नारकी नए नारकियों को कांटेदार वृक्षों से रगड़ते हैं। वैतरणी नाम की नरक की नदी में ले जाकर घायल करके घसीटते हैं। उनके तनिक भी करुणा नहीं होती है। कई नार की नवागत के शरीर से रक्त निकालते हैं। वो बेचारा घबराकर भाग जाता है और पर्वतों के बीच में जाकर छिपकर आराम करता है। परंतु वहां भी भयंकर नार की विक्रिया से अनेक प्रकार के बाघ, सिंह और सर्प आदि का रूप बनाकर उसके शरीर को विशेष रूप से चीरते हैं। कुछ नारकी अपने हाथ से पांव पकड़कर उसे पर्वत पर से गिरा देते हैं, जिससे वो कठोर भूमि पर आकर गिरता है और उसके शरीर के खंड खंड हो जाते हैं। दुख से भयभीत चित्त होकर तब वो किसी शरण देने वाले सहायक को ढूंढता है। पूर्वागत पापी नार की अत्यंत निर्दयी होते हैं और ये नवागत उनके सामने बहुत ही दीन बनकर धिधियाता है। वे उसको ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि इधर आओ, हम तुम्हारे घावों की पीड़ा को अच्छा कर देंगे। परंतु वे उसके घावों को खारे पानी से सींच कर और भी अधिक दुख उत्पन्न करते हैं। कुछ नार की नवागत को जंजीरों से जकड़कर खूब कसकर खंभे से बांध देते हैं। अनेक प्रकार के आयुधों से पीड़ा देते हुए पिछली बातें याद दिला दिला कर मारते हैं। जिस उद्दत्ता पूर्वक अभिमान से इसने पूर्व जन्म में पाप किए थे, उनका फल देने के लिए वे उसे आग से तपे हुए लोहे के आसन पर बिठाकर बहुत दुखी करते हैं। जिन नार की जीवों ने पूर्व जन्म में पर स्त्री के साथ प्रेम किया था, उनके शरीर के गर्म लोहे की पुतली लाकर लगाई जाती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में नेत्रों से पाप किए हैं, उनके नेत्र नारकियों द्वारा निकाल लिए जाते हैं। शराब पीने वाले लोगों को तांबा गला गला कर पिलाया जाता है। जिन अंगों से पूर्व जन्म में पाप किए गए थे, उन अंगों को नार की जीव छेद देते हैं। मांस भक्षण करने वालों के शरीर को वे तोड़ तोड़ कर खाते हैं।
पूर्व जन के कई बैरियों के नाम याद कराते हैं और अनेक प्रकार के खोटे वचन कहकर उसे कुपित करके उससे संग्राम करते हैं। अपने शरीर से विक्रिया द्वारा वे अनेक प्रकार के आयुध बना लेते हैं और अत्यंत क्रोधी होकर उन्हीं से आपस में मारपीट करते हैं। जब वो बहुत समय तक युद्ध करने से थक जाता है, तब उस दीन नारकी को हिंसा में आनंद मानने वाले रौद्र ध्यानी दुष्ट असुर आकर लड़ाते हैं। तीसरे नरक तक असुर वगैरह दुख देते हैं, ऐसा जैन सिद्धांत में कहा गया है। उससे आगे असुरों का गमन नहीं होता है। इस प्रकार नरक में एक पल भी शांति नहीं है। नार की निरंतर दुख रूपी दावा नल में जलते रहते हैं। वहां सदा मारो मारो ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। वो स्थान अत्यंत दुर्गंधित है। अशुद्ध क्षेत्र के संबंध से असुहावनी ही हवा वहां बहती है। यदि तीन लोक का सारा अनाज भी एक नारकी खा जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। जबकि कोई एक दाना भी नहीं देता है। समुद्र का सारा पानी पी जाने पर भी वहां प्यास नहीं मिटती है। जबकि एक बूंद बराबर भी पानी पीने को नहीं मिलता है। शरीर रात दिन जलता रहता है। वात पित्त और कफ उनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग होते हैं, उन सब का उदय भगवान ने नरक में कहा है। वहां पर रस कड़वी तुम्बी के समान कड़वा होता है। फांसें करौत जैसी होती हैं। नारकियों के मरे हुए शरीरों से उत्पन्न दुर्गंध फैली रहती है। वहां पर गर्मी और सर्दी इतनी होती है कि सुमेरु पर्वत के समान 1,00,000 योजन का लोहे का गोला भी उससे गल जाता है। पंक प्रभा अर्थात चौथा नरक तक 4 नरकों में बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। धूम प्रभा के ऊपर के 2/3 भाग में गर्मी और शेष अर्थात 1/3 भाग में सर्दी रहती है। 6ठे और 7वें नरक में केवल सर्दी ही है। उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। वहां कुत्ते सियार और बिल्लियों के मृतक शरीरों के ढेर पड़े रहते हैं। मांस चर्बी और खून का दुर्गंधित कीचड़ सड़ता रहता है। जगह जगह सेमर के बहुत से वृक्ष हैं, जो बहुत ही दुख देने वाले तेज क्रूर कांटों से भरे होते हैं। वहां असीपत्र नाम का एक वन है, जिसमें भयंकर वृक्ष हैं। उनके पत्ते तलवार के समान होते हैं।